जय हो चिल्ड्रन, सबको शुभ दिन। हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। तो आज हम एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर है। तो आज हम अध्ययन करने जा रहे आपके पाठ्यपुस्तक में दिए गए व्याकरण में क्रिया का अध्ययन। तो बच्चों, इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? आप एक एक चित्र ध्यान से देखते जाइए और इस वाक्य को मैं पढ़ते जाती हूँ, आप भी पढ़ो और ध्यान से सुनते जाओ। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए, पहले चित्र में आप देख रहे हैं। तो पहले चित्र में मोहित क्या कर रहा है? स्कूटर चला रहा है। पहले चित्र में मोहित स्कूटर चला रहा है। और दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कृतिका पढ़ रही है। तो तीसरे चित्र में बाहर तेज वर्षा हो रही है। तो बच्चों, ये ऊपर दिए गए तीनों वाक्य यानी जो चित्र में आप देख रहे हो, देखिए, स्कूटर चल रहा है, कृतिका पढ़ रही है, वर्षा हो रही है। तो उपरोक्त वाक्यों में चल रहा है, पढ़ रही है तथा हो रही है से हमें क्या पता चल रहा है? तो किसी ना किसी कार, देखिए, किसी ना किसी कार यहाँ पे चल रहा है। एक ना एक कार्य तो यहाँ पे, यानी कार्य मतलब क्या है? वर्क यानी काम। तो एक ना एक काम यहाँ पे चल रहा है। तो ऐसे किसी ना किसी कार्य करने या होने का बोध इस चित्र में से आपको दिखाई दे रहा है। तो ये वाक्य पढ़ने से आपको पता चल रहा है। तो ऐसे शब्द क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है। तो व्याकरण में ऐसे जो काम चल रहा है यहाँ पे, वो ऐसे शब्दों को हम क्रिया कहते हैं। तो अब हम जानेंगे क्रिया की व्याख्या। जिन शब्दों से किसी कार्य करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो जिन शब्दों से हमें क्या पता चलेगा किसी कार्य का करने या होना, तो ये जो क्रिया यानी कार्य के करने या होने का जो बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध हो, उन्हें क्रिया कहते हैं। तो बच्चों, देखिए, आगे देखिए, विशेष यानी इसका विशेष क्या है? क्रिया का विशेष जो है वो क्या है? तो देखिए, प्रत्येक वाक्य में क्रिया का होना आवश्यक है ना? क्रिया मतलब क्या होना चाहिए? प्रत्येक वाक्य में हमें ये पता होना चाहिए क्रिया चल रहा है, यानी क्रिया का होना आवश्यक है। तो हिंदी में क्रिया के अंत में ही आते हैं। तो देखिए, हिंदी में क्या होता है? क्रिया का वाक्य जो है, यानी क्रिया वाक्य के अंत में आते हैं, यानी जो कार्य है वो अंत में आते हैं हिंदी में। क्रिया के अभाव में वाक्य अपूर्ण होता है। तो देखिए, क्रिया के बिना ये वाक्य जो है वो अपूर्ण होता है। कैसे? हम नीचे दिए गए उदाहरण द्वारा देखे पहचान सकते हैं। तो आइए, यहाँ पे कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती है। मतलब काम चलना मतलब सिर्फ एक काम नहीं, एक से ज्यादा काम भी यहाँ पे हो सकते हैं। एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे दो चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे पहला चित्र जो है, तो पापा अपने बेटे से बात कर रहे हैं। तो पापा ने पूछ रहा है, पापा ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो देखिए, ये दोनों काम ही है ना। यहाँ पे पापा पूछ रहा है अपने बेटे से, क्या पूछ रहा है? पापा ने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तो देखिए, आप दूसरे चित्र को ध्यान से देखिए, मम्मी ने कहा, कल हम चिड़ियाघर जाएंगे।
देखिए, मम्मी ने कहा कल हम चिड़ियाघर जाएंगे। तो बच्चों अब देखिए, यहाँ पे एक से ज्यादा काम हो रहा है, यानी दो काम एक साथ हो रहा है। पापा ने कह रहे हैं और तुम कहाँ गए थे, ऐसे पूछ रहे हैं। तो मम्मी ने भी कहा, अपनी बेटी से क्या कहा, कहने का एक काम है और जाना है ना, वो एक काम है ना। तो मम्मी ने कहा कल हम चिड़ियाघर जाएंगे, यानी कुछ वाक्य ऐसे होते हैं वहां पे क्रियाएं भी होती है, यानी एक से ज्यादा क्रिया होते हैं। तो मुख्य और सहायक क्रिया कौन कौन से हैं, अब हम अध्ययन करेंगे बच्चों। तो मुख्य और काम कौन कौन से है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, कभी कभी वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं होती है। तो अभी तो हम पढ़ रहे थे ना, एक ही दृश्य में आपको अलग अलग क्रियाएं दिखाई दे रही। तो और पढ़िए, और एक एग्जाम्पल, विनय पाठ पढ़ रहा है। तो यहाँ पे विनय जो है वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है, यानी अभ्यास कर रहा है। तो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सुमन खाना खा रही है, खा चुकी है। तो देखिए यहाँ पे सुमन खाना खा चुकी है। तो तीसरा जो एग्जाम्पल है वो क्या है, शिकारी ने हिरन को मार डाला। तो देखिए बच्चों, शिकारी ने हिरन को मार डाला। तो पढ़ रहा है, खा चुकी है और मार डाला। उपरोक्त वाक्यों में एक से अधिक क्रियाओं का एक साथ प्रयोग हुआ है। तो बच्चों, पढ़, खा और मार, ये जो है ये मुख्य है, मुख्य क्रिया रूप है ये। उनकी सहायक क्रिया कौन कौन सा है, रहा है, चुकी है और डाला, ये सब क्या है, सहायक क्रियापद है। तो बच्चों, इस वाक्यों में हम क्या देख रहे हैं, मुख्य क्रिया कौन सा है और सहायक क्रिया कौन सा है। तो विनय पाठ पढ़ रहा है, सुमन खाना खा चुकी है और शिकारी ने हिरन को मार डाला। तो बच्चों, पढ़, खा और मार, ये तीनों मुख्य कार्य है और रहा है, चुकी है, डाला, ये तीनों सहायक क्रिया है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हमने जाना कि क्रिया मतलब क्या है। क्रिया मतलब काम या कार्य। तो देखा कि हमने क्रिया की व्याख्या और विशेष रूप से वाक्यों में क्या होना चाहिए, क्रिया रहना चाहिए। और हिंदी में, स्पेशली हिंदी में, क्रिया जो होता है वो वाक्य के अंत में होता है। तो हमने देखा कि कुछ वाक्यों में एक से अधिक क्रियाएं भी होती है। तो फिर हमने देखा कि मुख्य क्रिया और सहायक क्रियापद कौन कौन से है। तो बच्चों, मुझे आशा है क्रिया का जो हम अध्ययन कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा है। तो अगले कक्षा में फिर हम हाजिर होंगे इस क्रिया के और विषयों के जानकारी के साथ। तो बच्चों, इसे और एक बार ध्यान से पढ़िए, और यानी इसमें जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो हमें होमवर्क बुक में लिखकर भेजिए। तो घर में ही रहिए और सुरक्षित।